सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल द अनसीन आर्ट्स। आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाने वाली हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली बनाई। तो मैंने ऐसे कहीं पे देखा नहीं, मुझे ऐसे आइडिया आई इसलिए मैंने बना दिया। सो ये मैंने एक छोटू सा क्यूट सा डेकोर पीस जैसा बनाया है, जिसमें एक्सेल में मैंने वीड ग्रास ग्रो किया है। सो ऐसे मैंने तीन बनाए, गांधी जी के जो तीन बंदर होते हैं वो वैसे तीन बनाए मैंने। फिर ये कैसे डेकोर भी जैसे कहीं पे भी रख देंगे तो अच्छे ही दिखते हैं। सो ये बनाए मैंने, और अगर आपको देखना है कि ये कैसे बनाए तो आगे वीडियो में पूरी देखना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अंडे लिए हैं, मतलब तीन अंडे लगेंगे हमें। फिर उसके बाद ऐसे साड़ी पिन हो गई या फिर राउंडर हो गया, उससे एक छेद बना ले ऊपर, और उसके अंदर का सारा मटेरियल साइड में निकाल ले। फिर उसके बाद हमें जितनी ओपनिंग चाहिए, मतलब प्लांट के लिए जितनी ओपनिंग चाहिए, उतने हल्के हल्के हाथों से वो तोड़ लेने का पूरा। फिर उसके बाद मैंने वो एग को स्टेबल रखने के लिए एक स्टैंड बनाया, स्टैंड जैसे मतलब उसका बेस बनाया हॉट ग्लू गन से। फिर वो सूखने के बाद वो पेपर मैंने बाकी का एक्स्ट्रा मटेरियल काट दिया। अब वो मतलब ऐसे सीधे स्टैंड रह सकता है, मतलब हिलता डुलता नहीं है। फिर उसके बाद मतलब हमें जो भी डिज़ाइन चाहिए, मैंने यहाँ पे गांधी जी के तीन बंदर इमोजी के फॉर्म में लिया है, आप उसमें कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको पिंटरेस्ट पे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस मिलेंगे इनसे इनसे अलग वगैरह, तो आप वो भी ले सकते हैं। और ड्रॉ करते वक्त थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि वो फिर मतलब टूट भी सकता है। यहाँ पे मैंने एक्रेलिक कलर्स यूज़ किए कलर करने के लिए, क्योंकि एक्रेलिक कलर्स को पानी लगा तो भी कुछ होता नहीं है, इसीलिए मैंने एक्रेलिक यूज़ किए। और अगर आपको बैकग्राउंड में काम करने की आवाज़ आ रही होगी तो सॉरी, मतलब मेरी बिल्डिंग में काम चालू इसलिए आवाज़ आ रही होगी। ये जो कलर हम कर रहे हैं उसके जो बॉर्डर है वो इतनी परफेक्ट नहीं आई तो भी चलेगा, क्योंकि हम उसको बॉर्डर देने वाले हैं बाद में। और ये जो ब्लैक कलर का किया है उसके जो साइड में जो वाइट डॉट्स है वो मैंने बाद में वाइट पेंट से भी कर दिए थे शार्पनेस दिखाने के लिए ज़्यादा, तो वो बहुत और अच्छे लग रहे थे। फिर ये येल्लो करते वक्त एक ध्यान रखना कि आपके स्केच के अलावा जो भी आपने डिज़ाइन बने उसके अलावा कोई भी पेंसिल मार्क मत रहने देना, क्योंकि येल्लो कलर के नीचे वो दिखते हैं, जैसे आपको यहाँ पे हैंड्स भी दिख रहे होंगे उनके।
तो फिर वो ध्यान रखना, और उसको मिटते भी नहीं है इरेज करने पे भी। और फिर यहाँ पे मैंने ब्रश पेन से करके आउटलाइन बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जब मैंने उस पे पानी लगाया था तब वो मतलब निकल गया, सारे ब्रश पेन का जितना भी मैंने किया था वो निकल गया। इसलिए ब्रश पेन से अच्छा एक्रेलिक से ही करना, मतलब जो छोटा ब्रश आता है 000 या फिर 0 का, उससे कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद मैंने मतलब सूखी मिट्टी ली है, ज़्यादा गीली भी नहीं है ज़्यादा सूखी भी नहीं है। और इसमें भरते वक्त एक ध्यान रखना कि ज़्यादा बड़े पत्थर फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आपको जैसे पता है कि अभी गणपति आ रहा है, तो गणपति के लिए ऐसे छोटे छोटे क्यूट डेकोर पीसेस लगते हैं आजू बाजू रखने के लिए। सो ये जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ कर देना, क्योंकि सब बनाएंगे देखेंगे। सो दैट्स इट।